आज लेकर आई हूँ ऐसी मिठाई जो बिना झंझट के सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। इस मिठाई को बनाने के लिए ना ही हमें गैस जलाना है, ना ही हमें चाशनी बनाना है, और ना ही इसके लिए हमें घी की जरूरत है, और ना ही मावे की। और बहुत ही टेस्टी मजेदार ये मिठाई बनकर तैयार होती है, तो चलिए बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने 20 से 25 किशमिश ले ली है, 15 से 20 मैंने काजू लिए है, 15 से 20 बादाम लिए है, और ये 10 से 12 मैंने खजूरें ली है। तो खजूरों को इस तरह से सॉफ्ट वाली चाहिए, और खजूरों की जो कुठियां थी ना वो सारी मैंने हटा दी है, अलग कर दी है। तो सबको डालेंगे हम मिक्सर के जार में। अब डालेंगे इसमें 2 चम्मच हम डेसिकेटेड कोकोनट, और इसको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। तो ये देखिए, ये इसी तरह का पिसेगा, हल्का सा दरदरा पिसेगा ये। अब एक दूसरा जार ले लेंगे, उसमें डालेंगे हम 1 कप नारियल का बूरा, और आधा कप डालेंगे हम इसमें मिल्क पाउडर, और आधे कप से थोड़ी सी कम मैंने शक्कर ले ली है, और इसके साथ ही डाल देंगे 4 इलायची, और इसको भी हम एक बार मिक्सर को चला के बारीक पीस लेंगे। तो ये देखिए, शक्कर भी पिस गई है और सारी चीजें अच्छे से मिक्स भी हो गई है। जो हमने इलायची डाली थी वो भी बिल्कुल बारीक पीस गई है। तो ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल बारीक पाउडर तैयार कर लेना है हमें। अब निकाल लिया है मैंने इसे एक बड़े से बॉल में। अब ये मैंने ठंडा दूध ले लिया है, तो दूध बॉइल है और मैंने फ्रिज में रखा हुआ दूध लिया है। तो मैंने अभी आधा कप दूध लिया है, मगर हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच। तो ये जो छोटे वाले चम्मच है ना, इसे मैंने 4 चम्मच दूध डाल लिया है। एकदम से हम इसमें ज्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो ये जो हमारा डो है ना एकदम बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने एक बार इसको मसलते हुए इस तरह से तैयार कर लिया है। अभी हम इसमें और दूध डालेंगे। तो ये देखिए, डो तैयार हो गया है। तो 6 चम्मच दूध में ही ये हमारा मावा तैयार हो गया है। अब ये जो हमने खजूर और ड्राई फ्रूट पीस कर रखे थे ना, कि इस तरह से थोड़ा थोड़ा लेकर इस तरह से बॉल तैयार कर लेंगे। तो देखिए, इसमें हमें बिल्कुल कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, अच्छी बाइंडिंग आ गई है खजूर और किशमिश से। तो ये देखिए, मैंने इसकी बॉल तैयार करके रख ली है। अब ये जो हमने व्हाइट वाला मावा बना कर रखा था, इसकी भी हम एक बॉल तैयार कर लेंगे। तो ये जो हमने छोटी बॉल बनाई है, उसे थोड़ा सा ज्यादा लेंगे हम इसे, जितना बड़ा नींबू होता है उतना बड़ा ले लिया है मैंने। तो हाथों पे घुमाकर इस तरह से गोल कर लेंगे। अब इस तरह से प्लेट करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से उंगलियों और अंगूठों से मैंने इसको इस तरह से रोटी की तरह कर लिया है। अब इसमें रखेंगे हम ये खजूर वाली बॉल, और सब तरफ से उठा के इस तरह से इसे पैक कर देंगे, बंद कर देंगे, और बस अब हम इसे गोल कर देंगे। तो ये देखिए, अच्छे से गोल हो गया है। हल्का सा दबाकर हम इस तरह से उंगलियों से इसके पेड़े का शेप दे लेंगे। तो ये देखिए, एक मिठाई बनकर तैयार हो गई। इसी तरह से हम सारी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, सारी मिठाई हमारी तैयार हो गई है। अब हम इस पे लगाएंगे कुछ पे चांदी का वर्क होता है, वो लगा देंगे। तो ये देखिए, हमारे पेड़े बनकर तैयार हो गए हैं, मिठाई बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही लाजवाब मजेदार, 5 मिनट का ही टाइम लगा है इसे बनने में। और ये देखिए, हमारी बहुत ही लाजवाब मिठाई बनकर तैयार हो गई है। मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था, तो अच्छे से ये सेट हो गई है। और ये देखिए, मैं आपको काट कर दिखाऊं से। तो ये देखिए, इसकी फिलिंग भी देखिए, वो बहुत ही मजेदार टेस्टी ये मिठाई बनकर तैयार होती है। रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं इसी तरह से आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आती रहूँगी।